पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। 115 बिजली चोरों के खिलाफ कार्यवाही, 60 बकायेदारों के कनेक्शन कटे। बिजली चोरी रोकने के लिए पावर कॉर्पोरेशन की टीमों ने नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी के साथ छापा मारा। रामपुर मनिहारन में 75 और बड़गांव में 40 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं बड़गांव में 1 लाख रुपए से ऊपर के 60 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे गए। बिजली चोरी की भी सघनता से चेकिंग की गई। बता दें कि गांव में बिजली चेकिंग के लिए टीम आने की सूचना से बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों में खलबली मची रही। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष का तंज। ज्ञानवापी पर बोले, मस्जिद में फवारे को बताया जा रहा शिवलिंग। पीएम करते हैं सबके साथ और विकास की बात। देवबंद में ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश में अफरा तफरी का माहौल है। कोई ताजमहल के कमरे खोलने, मस्जिद को मंदिर और फुवारे को शिवलिंग बता रहा है। दोनों धर्मों के लोगों को किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये अदालत का काम है, इसे न्यायालय के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दों पर आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए। देवबंद में युवती से छेड़छाड़। भाजपाई और व्यापारियों ने देर रात कोतवाली में काटा हंगामा। सहारनपुर के देवबंद में 19 मई की देर रात को एक सिरफिरे सरे बाजार युवती से छेड़छाड़ की गई। बता दें कि युवती के पक्ष में व्यापारी उतर आए, जिन पर आरोपी युवक ने रोड से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यापारी को चोटें आई हैं। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जमकर लाठी डंडे भी चले। एक पक्ष से आकाश और दूसरे पक्ष से अब्दुल्ला घायल हो गए। घटना के विरोध में भाजपा नेता और हिंदू संगठन के लोगों ने भी थाने पर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। बता दें कि पूरा मामला देवबंद के MBD चौक का है। वही इस संबंध में देवबंद के क्षेत्राधिकारी ने क्या कहा है, सुनिए। आज ही MBD चौक पे देवबंद थाने के अंतर्गत MBD चौक आता है, वहाँ पर विवाद हुआ। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। झगड़ा कर रहे लोगों में से 3 लोगों को पुलिस वहाँ से ले भी आई है। उनसे घटना के बारे में हम लोग और जानकारी कर रहे हैं कि और कौन कौन शामिल था। एक वीडियो भी इस घटना का हमको प्राप्त हुआ है, उससे भी पहचान कर रहे हैं। जो पीड़ित पक्ष है उससे हमें तहरीर प्राप्त हो गई है, इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। चोटिल एक व्यक्ति को चोट भी लगी है, उनका मेडिकल करा दिया गया है और हम लोग इसमें दबिश टीम में जो भी इसमें शामिल है उनके लिए बना करके शेष लोगों की भी शीघ्र गिरफ्तारी करवाएंगे। मौके पर शांति है। घर में बैठी वृद्धा से 2 बदमाशों ने कानों के कुंडल लूटे। कस्बा सरसावा के मोहल्ला कानून ज्ञान निवासी करीब 95 वर्ष से वृद्धा भगवान देवी घर में नीचे अकेली थी और ऊपर किराएदार रहते थे। दोपहर करीब 1:30 बजे 2 बदमाश अंदर घर में घुसे और वृद्धा के कुंडल छीन कर बाहर खड़ी पल्सर पर सवार होकर फरार हो गए। दिन दहाड़े महिला से हुई वारदात से आसपास के मोहल्लों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता को निकाली गई रैली। शुक्रवार को परिवहन और जिला विद्यालय निरीक्षक विभाग के अधिकारी कर्मचारी और NCC कैडेट्स कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए। इसके बाद अधिकारियों और NCC कैडेट्स ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर अंबेडकर स्टेडियम तक पहुंची। इसी दौरान लोगों को यातायात के नियम अपनाने, अपना जीवन सुरक्षित बनाए और आदि नारों से जागरूक किया गया। शिवलिंग को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकुर थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि प्रमोद कुमार निवासी गांव छापर ने कोतवाली में तहरीर देकर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपत्तिजनक पोस्ट कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने भी त्वरित कार्यवाही करते हुए नासिर फरहत पुत्र सुल्तान निवासी मोहल्ला चौक अम्बेटा के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है।
अतिक्रमण हटाने और पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए चला अभियान। शुक्रवार को नगर पंचायत नानोता के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नगर में सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण व पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। मुख्य लिपिक प्रदीप कुमार ने बताया कि नगर पंचायत टीम द्वारा दुकानों और रेडी संचालकों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की गई, तो वहीं बाजारों में फैले अतिक्रमण, दुकानदारों को दुकान के आगे और फल सब्जी रेडी संचालकों व अन्य अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो नगर पंचायत द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टिठरे के चार अंडों की देना अच्छी बारिश के संकेत। जी हाँ, इस बार बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। प्रकृति ने ऐसे संकेत दिए हैं कि पुरातन कथाओं को आधार माना जाए तो क्षेत्र में टिठरी पक्षी ने इस बार चार अंडे दिए हैं, जिसके चलते किसानों का मानना है कि क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। तो वहीं मौसम विभाग भी आगामी जून में मानसून की बारिश होने की संभावना जता रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास नहीं करते। बता दें कि जहां ज्योतिष शास्त्री मौसम विभाग के आंकड़ों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, तो वहीं प्रकृति जीव जंतु भी भविष्य की सूचनाएं देने में पीछे नहीं रहते। जैसे टिठरी के अंडों की मान्यताएं हैं, पुरातन मान्यताओं के अनुसार टिठरी के अंडे देना बारिश के लिए शुभ संकेत है। ग्रामीण लोगों की माने तो टिठरी जितने अंडे देती है उतने महीने की बारिश होती है। नानोता क्षेत्र में टिठरी ने ऊंचाई पर अंडे दिए हैं, जिसके चलते नानोता क्षेत्र में बारिश की संभावना अधिक मानी जा रही है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।